जनपद मुरादाबाद में जिला प्रशासन के सहयोग से जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉक्टर अजय कुमार, डीएम शैलेंद्र सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार दीक्षित सहित सभी न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मचारियों व सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर गुरहट्टी नगर निगम होते हुए शहीद पार्क पर आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। पूरी यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय जैसे नारों ने लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार ने इस अवसर पर लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सभी से इस अवसर को फख्र के साथ उत्साह से मनाने की व अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की। जिला मजिस्ट्रेट व एसएसपी ने सभी नागरिकों को हर घर तिरंगा व अमृत महोत्सव की बधाई दी तथा आगामी एक सप्ताह तक उत्साह से इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कहा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार दीक्षित ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रशासन को भी इस तिरंगा यात्रा के आयोजन हेतु धन्यवाद दिया। इस मौके पर एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डीपीआरओ समाज कल्याण अधिकारी आदि तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा मुरादाबाद के नागरिकों को ये संदेश देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा की गई है कि सभी नागरिक इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों पर भारत राष्ट्र के शान मान के प्रतीक इस राष्ट्रीय ध्वज को, इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए, फख्र महसूस करते हुए इसे फहराएँ, क्योंकि ये राष्ट्र हम सबका है और इस राष्ट्र को जो स्वतंत्रता है वो हम सबकी है। इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत बड़े बड़े बलिदान हैं, उन बलिदानों को हमें याद रखना है और उसको याद रखते हुए इस राष्ट्रीय ध्वज को हमें फख्र महसूस करते हुए, मान महसूस करते हुए इसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने घरों पर फहराना है। और इस तिरंगा यात्रा में जितने हमारे कर्मचारी सम्मिलित हुए हैं, हम लोग अपने घरों पर तो फहराएंगे ही, एक एक प्रण करेंगे, एक आदमी 10-10 लोगों को कम से कम और प्रेरित करेगा कि कम से कम 10-10 घरों पर हम और इस झंडे को शान से। थैंक यू सर, शुरुआत की गई यहाँ से। देखिए, सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष और एक लंबी लोकतांत्रिक यात्रा, सफलतम लोकतांत्रिक यात्रा संपन्न की देश हमारे देश ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस राष्ट्रीय अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराया जाना है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार की है और हम सभी जनपदवासियों से अपील करते हैं इस तिरंगे के आन बान और शान को सुरक्षित रखते हुए हर घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अंत्योदय कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क तिरंगे की भी व्यवस्था की है, जिससे किसी भी नागरिक को तिरंगा फहराने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हम चाहेंगे कि उन अमर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हर घर पर तिरंगा फहराएं और इस कार्य में सभी लोग प्रशासन का सहयोग। थैंक यू। रही कैसी रही मुझे जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा और उद्देश्य यही है कि जागृत करना सभी देशभक्ति की भावना और आज़ादी का हिस्सा है, जिसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सब लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी कार्यक्रम आप करते हैं कृपया करके उसकी एक सूचना प्रशासन को जरूर दें और अनुमति आपको मिलेगी, आप अनुमति भी जरूर दें। थैंक यू।